मैं आपके माध्यम से भी यहाँ के जो सांसद है उन सांसद से भी मांग करता हूँ कि भाई साहब कोई 25 के 25 सांसद बीजेपी से चुन के दिल्ली गए हैं, कोई एक काम तो बड़ा करा दो। तनिष्क लाए हैं अपनों के लिए उपहारों का मौसम, अपने हीरे को गिफ्ट कीजिए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरो के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। विजिट तनिष्क इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। राजस्थान के लोकप्रिय और प्रदेश के तीसरी बार के मुख्यमंत्री बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने जब जब मुझे जो काम दिया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब जब काम दिया, पार्टी हाईकमांड ने मुझे जो भी काम दिया, मुझे पार्टी के प्रदेश कांग्रेस में मुझे सेक्रेटरी के रूप में काम करने का मौका मिला। अजमेर देहात का उस टाइम मैं प्रभारी के रूप में मैंने काम किया जब डॉक्टर चंद्रमोहन जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मैंने पूरी कोशिश की कि पार्टी की सेक्रेटरी का जो रोल होता है वो अच्छे से अच्छा कैसे हो, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में रह के पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सके वो मैंने काम किया। उसके बाद मैं पिछली बार जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने तब मुझे उन्होंने बीज निगम का अध्यक्ष बनाया और राज्य मंत्री का मुझे दर्जा दिया। बीज निगम में एक नई ऊर्जा आई और मैंने वो इस तरह, मतलब हालांकि हर व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत अच्छा काम किया, तो वो कहना, मेरा कहना उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आप पता लगाएंगे कि भाई सीड कॉरपोरेशन में क्या नवाचार हुए और क्या उस वक्त के हालात थे, क्या बने, तो मैंने उस चैलेंज को बहुत बखूबी से निभाया और बीज निगम की ख्याति प्रदेश में बढ़ी। और किसानों के लिए उस वक्त जो किसानों के लिए बीज का जो बीज मिले किसानों को फ्री, उस वक्त भारत में सरकार दिल्ली में हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी, तो उन्होंने भी भारत राजस्थान सरकार को जो सब्सिडी थी एग्रीकल्चर में काफ़ी दी। अनफॉर्चुनेट है कि अब वो मोदी जी के आने के बाद में वो सब्सिडियाँ वगैरह किसानों के लिए, यानी मोदी जी की सरकार एंटी फार्मर है। जो अभी बड़ा किसान आंदोलन हुआ उसमें आपने देखा होगा। अब जब तीसरी बार जब मुख्यमंत्री जी बने हैं प्रदेश के और मुझे उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले ही RTDC का चेयरमैन का जिम्मेदारी दी है, ये बात सही है कि RTDC का जो वर्तमान हालात है वो हालात पहले के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आपको पता है मैं अजमेर ज़िले में हूँ, अजमेर शहर में भी आपसे बात कर रहा हूँ। खादिम टूरिस्ट बैंगलोर की एक ज़माने में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। खादिम में जाके कोई चाय कॉफ़ी पिए, खादिम में जाके आप लोगों ने भी कई बार नाश्ता करे या खादिम में रुके, उसको अपने आप में गर्व महसूस होता था कि आज मैं खादिम में चाय पिए। आज खादिम की स्थिति आपके सामने है। पुष्कर में जो पुष्कर सरोवर होटल है पुष्कर की, उसका क्या मतलब एक शानदार नाम था। और अजमेर ज़िला जो है पर्यटन के क्षेत्र में, तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में, वैसे राजस्थान पर्यटन में देश में सबसे ऊंची जगह पे है। हालांकि ये बात सही है कि कोरोना ने पूरी मानव जाति को हिला के रख दिया और सबसे बड़ी दहशत, यानी हमने तो 100 सालों में इतनी बड़ी महामारी नहीं देखी, जो छोटा सा एक वेरिएंट ने पूरी समूची मानव जाति को, दुनिया में 600 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं उनको हिला के रख दिया। तो इस कोरोना ने सबसे बड़ा थ्रेट अगर किसी, सारा व्यापार और उद्योग जो था उसको मतलब एक तरह से चौपट कर दिया, GDP देश की डाउन हुई, और उसमें भी जो पर्यटन जो है वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। पर्यटन उद्योग है जो कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आए। भाई जब आपको हवाई जहाज बंद कर दी, आवागमन पूरी तरह से ही बंद करना पड़ा, लॉकडाउन लग गया, तो चाहे वो टैक्सी के रूप में हो, चाहे होटल के रूप में हो, चाहे हवाई जहाज थी, ट्रेन थी, सारी बंद करनी पड़ी। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आया वो RTDC पर और पर्यटन उद्योग पर आया। इसलिए अब कोरोना का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट हालांकि अभी पूरी तरह से गया नहीं है, अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, तो लेकिन फिर भी अब काफ़ी कुछ धीमा पड़ा है। इसलिए हम वापस पर्यटन उद्योग को पटरी पे लाएं, ये बड़ा चैलेंज है। हमारी जो RTDC की जो पैलेस ऑन व्हील है, जो पूरी दुनिया में उसका अपना बड़ा नाम है, उसको हम सेप्टेम्बर में चालू करने की हम बात कर रहे हैं। उसमें और क्या अच्छा हो सकता है ये भी बात कर रहे हैं। यानी कुल मिला के आपको लगेगा कि पर्यटन के क्षेत्र में वापस राजस्थान बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, और अजमेर ज़िला चूँकि मेरा गृह ज़िला है, नांद मेरा गांव है, तो मेरा हमेशा मतलब नांद आना जाना रहा ही है, तो इसलिए मेरा जिम्मेदारी बनती है कि अजमेर ज़िले को मैं पर्यटन हब के रूप में, इसका जितना हमारे जो लिमिटेशंस हैं
उसमें अच्छे से अच्छा क्या कर सकें। जैसे तारागढ़ है, एक ऐसा पॉइंट है, ये भी टूरिस्ट के लिए मतलब हो सकता है। रोपवे है, अजमेर से पुष्कर जो ट्रेन चलती है, मैं आपके माध्यम से भी यहाँ के जो सांसद है उन सांसद से भी मांग करता हूँ कि भाई साहब कोई 25 के 25 सांसद बीजेपी से चुन के दिल्ली गए हैं, कोई एक काम तो बड़ा करा दो भाई। रेल मंत्रालय